जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों 10 सितंबर 2023 अजा एकादशी के दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ संयोग में चुपचाप अपने पर्स में रख ले। यह एक गुप्त चीज तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों इस बार की एकादशी अजा एकादशी पर कई वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग और धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। और धन लक्ष्मी योग का निर्माण होने से इस एकादशी के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की अपार कृपा बरसने वाली है। और इस दिन यदि आप इस शुभ समय पर अपने पर्स और पैसों से जुड़ा ये उपाय कर लेते हैं तो आपको धनवान माला माल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मात्र इस उपाय को एक बार करने से आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके घर से दृढ़ता का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें के कमेंट में जय श्री हरि और जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूले। दोस्तों भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा या जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार अजा एकादशी का व्रत 10 सितंबर 2023 रविवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता अनुसार यह दिन भगवान की कृपा पाने और इस एकादशी का व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। इस एकादशी व्रत से जप, दान तथा यज्ञ आदि करने का फल सहजता से ही प्राप्त हो जाता है तथा 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करने का वरदान मिलता है। जया या अजा एकादशी व्रत करने से जीवन की हर तरह की परेशानियों से मुक्ति तथा जाने अनजाने में हुए सभी पाप खत्म हो जाते हैं। यह एकादशी व्रत मोक्ष मिलता है तथा दोबारा मनुष्य जन्म नहीं लेना पड़ता। अत इसे अजा एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों आज हम आपको जिस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं उसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप भी अपनी जिंदगी से परेशानियों को दूर कर सके। दोस्तों आपके घर में और आपके पास कई ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप माँ लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं, और अगर एक बार माँ लक्ष्मी खुश हो जाए तो वह आपके घर भंडार धन धान्य से भर देती है। इसलिए दोस्तों आज हम आपको आपके पर्स से जुड़े कुछ आसान से उपाय बताने जा रहे हैं जिनको करके आप सभी तरह की धन की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं वह कौन सी चीजें हैं जिनको अगर आप एकादशी के दिन अपने पर्स में रख लेते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों सबसे पहली चीज है धन की देवी माता। लक्ष्मी की तस्वीर दोस्तों महालक्ष्मी धन से संबंधित हर प्रकार की मुश्किलों का समाधान कर देती है। और माता लक्ष्मी की तस्वीर यदि आप एकादशी के दिन अपने पर्स में रखेंगे आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। परंतु माता लक्ष्मी की वही तस्वीर आप अपने पर्स में रखें जिसमें वह बैठी हुई मुद्रा में हो। दोस्तों दूसरा है पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल को पूजनीय मानकर उनकी पूजा की जाती है। इसका शास्त्रों में अत्यधिक महत्व है तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी हैं जिनमें यह उपाय भी शामिल है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि पर्स में सदैव पीपल का पत्ता रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका घर सदैव धन से भरा रहेगा। जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, लाल रंग का कागज। यह एक प्रकार का टोटका है जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह एक अचूक टोटका माना जाता है। इसके लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए। इस कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांध ले तथा इसके बाद इसे अपने पर्स में रख ले। ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चौथा है चावल। शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक ही सामान कहे गए हैं, इसीलिए चावल को भी पर्स में रखने का महत्व है। यदि आप अपने पर्स में छुटकी भर चावल रखते हैं तो यह आपके अनचाहे खर्च को कम करता है। आज के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए। यह उपाय भी धन वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा आप पर्स में कौड़िया गोमती चक्र भी रख सकते हैं। छठा, यदि आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है इसे भी पर्स में रखने से धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का
पर्स में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की वर्षा करती है। परंतु ध्यान रहे कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व इसे घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें। सातवां, यदि आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो यह दरिद्रता को यानी कि गरीबी को दूर कर धन वृद्धि में सहायक होता है। आठवां, माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में मिले। नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर सदैव अपने पर्स में रखें, आपके पास धन की वृद्धि होगी। नोवा, इन चीजों को पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें यदि आप ना करें तो भी धन में वृद्धि होती है। कभी भी अपने पर्स में नोटों को मरोड़कर ना रखें। यदि आपके पर्स में इधर उधर से मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे माता लक्ष्मी रूठ जाएगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं, तो चाहते हमारी छोटी पड़ जाती है, खुशियां ज्यादा मिल जाती है, जितना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा। और अगर प्रसन्ना ना हो तो फिर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग से भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्योदय खुद ही कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा हुआ है और कोई दुर्योग लेकर। हर किसी की कुंडली में राजयोग और दुर्योग दोनों ही होते हैं। समय को पहचानिए, क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है और आपको पता ही नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा, कुछ समय ऐसा होता है आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से होते हैं। इसका मतलब है वह आपका अच्छा वक्त है, तो उस समय को पहचान कर आपको खूब मेहनत करनी चाहिए, ताकि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। और जब समय गड़बड़ चले तब विपरीत धारा में नहीं जाएं, बल्कि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाएं। बस चलने की, दौड़ने की या ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश ना करें। दोस्तों, कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। जब समय गड़बड़ हो तब शांत हो जाए, और जब लगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो एक बार फिर से प्रयास करें। वहीं दोस्तों, इलायची तो हर घर में होती है, और इलायची के प्रयोग से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। और एकादशी के दिन, जो खास तौर पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का दिन है, इस दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से आपके शुक्र को बल मिलता है, और शुक्र जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है। यानी आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे, और शुक्र को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले ले, उसमें इलायची के एक दो दाने ढालकर उसको थोड़ा सा गर्म कर ले। इसके बाद उस पानी को नहाने के पानी में ढालकर नहाए। आप चाहे तो गर्म करके या बॉयल करके उसको किसी शीशी में रख लें, और रोज नहाने के पानी में दो ढक्कन इस पानी को ढालकर नहाए। इससे पवित्रता बढ़ जाएगी, और इस पानी से नहाने से भाग्य भी मजबूत होता है, शुक्र बेहतर होता है। तो यह एक सिंपल प्रयोग है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नौकरी या शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते, तब इलायची का एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। अगर आप चाहते हैं शिक्षा में खूब सफलता पाएं, तो छोटी इलायची और मिश्री या बताशे, आपके पास जो भी है वह ले ले, और छोटी इलायची से दो दाने निकाल ले, मिश्री बतासे ले ले, और इसको लेकर किसी पीपल के नीचे किसी भी दिन रख दे, और अपनी पढ़ाई की कामना करें कि हम बड़े अच्छे से तरक्की करें। और फिर आप पीछे मुड़कर मत देखिए, शिक्षा की बाधाएं समाप्त होती है। अगर आपकी शादी विवाह नहीं हो पा रहा, तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है कि किसी भी दिन दो हरी इलायची, थोड़ी सी कोई मीठी वस्तु या सफेद मिठाई, और एक घी का दिया लेकर आप किसी पवित्र बहती नदी पर चले जाएं, या कोई तालाब के किनारे भी जा सकते हैं। अब किसी पत्ते या ढोने पर नदी के पास इलायची और मीठी वस्तु जो आप लेकर गए हैं उसे वहां पर रख दे, और फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते पर ढालकर बहा दे। आपका शुक्र भी बेहतर होगा और जीवन में सुख बढ़ेगा, शीघ्र विवाह होगा। अगर पास में बहते नदी ना हो तब किसी पास के मंदिर में कराइएगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पति पत्नी में प्रेम खो जाता है। अगर आपका भी प्यार कहीं खो गया है, दूरियां आ गई है, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े प्रेम के प्रतीक तो हमारे भगवान श्री हरि ही है। उनका नाम ले, और एकादशी के दिन तीन हरी इलायची ले ले, उसे अपने शरीर से स्पर्श करें। वैसे तो कहा जाता है पसीने से स्पर्श करें, पर आप ऐसा ना करें, आप अपने शरीर से टच कर ले, बस इतना ही काफी है। इसके बाद आपके पास रुमाल पल्लू या दुपट्टा जो भी है उसमें बांधकर अपने पास ही रखें,
अगले दिन सुबह यानी शनिवार की सुबह यह टोटका करना है तो शुक्रवार के दिन यह सब करके रख ले। इलायची को संभाल के रखिए और लगातार सुबह सुबह जब आप चाय वगैरह बनाते हैं उसमें 2-4 दाने अच्छे से मिला दें। उससे पहले उसे किसी भारी वस्तु से दबा दें, कूट दें और पीसकर उसके बाद उसको मिलाकर आप पति को खिला दें। एकादशी के दिन आप यह उपाय करें या फिर लगातार एकादशी से एकादशी तक करें, आपको लाभ मिलेगा। आप चाहे तो इस प्रयोग को रविवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन जरूर कीजिए, इससे प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए हमने जो उपाय बताया उसको कीजिएगा। इसके साथ ही एक छोटा सा काम और कीजिएगा। अगर आप पढ़ाई में कमजोर है, आपकी पढ़ाई में इच्छा एकदम से खत्म हो गई है, तो थोड़े से दूध में इलायची डालकर उबाल ले। घर में अगर कोई गरीब व्यक्ति आता हो, काम करने वाला सफाई कर्मचारी, तो उनको आप चाहे तो चाय वगैरह बनाकर उसमें ढालकर पिलाए, तो इससे आपकी पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं। यह एक टोटका है। कई बार धन की कमी ऐसा परेशान करती है कि लगता है जैसे असहाय हो गए हैं। अब ऐसे में किसी हिजड़े को कुछ सिक्के और हरी इलायची दान में दें और उनको यह बीच बीच में आप देते रहे और वह आपकी यह इलायची खा लेता है, तो हमेशा ही अपने पास इलायची रखिए और जब भी मौका मिले कुछ सिक्के और इलायची दे दे। आपके जीवन की धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बहुत सिंपल प्रयोग है। दोस्तों, बहुत से लड़के चाहते हैं उन्हें सुंदर बीवी मिले। अब सुंदर बीवी चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। आप एकादशी के दिन हरी इलायची पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दे या फिर आप किसी पास के मंदिर में जाकर रख दें। आपको सुंदर बीवी मिलेगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, करके देखें, आजमा के देखें। कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं और आपके जूनियर सीनियर हो गए, आप वहीं पड़े हैं, क्या करें। आप रात में सोने के पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और अगले दिन सुबह उस इलायची को किसी बाहरी व्यक्ति को या आप अपने ऑफिस में भी किसी को दे सकते हैं तो किसी को भी खिला दे। आपका रुका हुआ प्रमोशन मिल जाएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य से जब आप बाहर जाएं तब एक छोटा सा प्रयोग और करें। अपने दाहिने हाथ में इलायची ले ले, चाहे तो 3 इलायची रख ले और फिर बोले, श्री श्री श्री, ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, श्री महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, तो यह मंत्र बोलिए और एक इलायची खा लीजिए, बाकी की पॉकेट में रख ले, उसे बाद में खाइए। आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, सुनते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अजा एकादशी की कथा सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, जो इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा रहता था। किसी कारण से राजा ने अपना राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नी, बच्चे व खुद को भी बेच दिया। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के यहाँ काम करता था और मृतकों के वस्त्र लेता था। वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता रहा और जब भी अकेला होता था तो अपने दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता ढूंढता था। वह सोचता था कि क्या ऐसा करें जिससे उसका उद्धार हो सके। वह काफी समय तक अच्छे कार्य करने में लगा रहा। एक दिन वह चिंतित होकर बैठा था, तभी गौतम ऋषि वहां आए। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपने दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता पूछने लगा। तब ऋषि ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण एकादशी यानी अजा एकादशी व्रत आने वाली है। तुम इस व्रत को विधि पूर्वक करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। और इतना कहने के बाद गौतम ऋषि वहां से चले गए। 7 दिन बाद उस राजा ने अजा एकादशी का व्रत रखा और ऋषि के बताए अनुसार ही भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया और पूरी रात जागरण किया और अगले दिन सुबह पारण करके व्रत को पूरा किया। इसके बाद भगवान विष्णु की कृपा से राजा के सारे दुख समाप्त हो गए और स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। उसने देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया है और उसकी पत्नी पहले की तरह रानी के समान दिखने लगी। व्रत के फल से राजा को अपना खोया हुआ राजपाट दोबारा मिल गया। जीवन के अंत में राजा को परिवार सहित स्वर्ग स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं अजा एकादशी के दिन कैसे करें विधि विधान से पूजा। दोस्तों, अजा एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद
पूजा स्थान को साफ करें और एक साफ चौकी रखें। फिर चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल व माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें। साथ ही दूध से बनी खीर का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। फिर विधि विधान से पूजा करें। पूजा के दौरान आरती करें और इस दिन अजा एकादशी की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, अजा एकादशी व्रत में पूरे दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का ध्यान करें और रात में जागरण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भजन, कीर्तन व उनके मंत्रों का जाप करें। इसके बाद अगले दिन मुहूर्त के समय व्रत पारण करें। दोस्तों, अजा एकादशी पर इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के पावन दिन चावल खाने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से व्यक्ति का जन्म किसी रेंगने वाले जीव की योनि में होता है और व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। हालांकि सिर्फ इसी दिन ही नहीं, व्यक्ति को कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अजा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण उपाय जिनको आपको एक बार इस एकादशी पर जरूर करना चाहिए। केसर और चंदन का उपाय भगवान विष्णु और लक्ष्मी पूजा में चंदन और केसर का विशेष महत्व होता है। अजा एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर भगवान विष्णु को तिलक करें और स्वयं भी माथे पर टीका लगाकर घर से शुभ कार्य के लिए जाएं। ऐसा करने से आपके कार्य बिना बाधा के पूर्ण होंगे और मां लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। पान के पत्ते का उपाय अजा एकादशी पर पान के पत्ते पर रोली या फिर कुमकुम से श्री लिखें और ये पत्ते विष्णु भगवान को अर्पित करें। पूजा पूर्ण करने के बाद ये पत्ते लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपको नौकरी में नए नए अवसर प्राप्त होते हैं और आपके बिजनेस में भी लगातार वृद्धि होती है। कन्याओं को खीर खिलाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि विशेष शुभ तिथियों पर कन्याओं की सेवा करने से बड़ा पुण्य कोई और नहीं है। अजा एकादशी पर सात कन्याओं को केसर की खीर खिलाएं और उनके पांव छूकर उन्हें उपहार देकर सम्मान के साथ विदा करें। आपके इस अच्छे कार्य को देखकर मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपकी धन संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी। मनोकामना पूर्ति का उपाय अजा एकादशी पर भगवान कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग लगाएं और फिर 27 एकादशी तक इस उपाय को करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इन छड़े हुए नारियल और बादाम को पूजा के बाद छोटे छोटे बालकों को खाने को दें। दक्षिणावर्ती शंख से करें। पूजा अजा एकादशी के अवसर पर भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा जरूर करें। भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध और केसर भरकर अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और न ही कोई अतिथि कभी खाली हाथ जाता है। तो दोस्तों, यह थी अजा एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।